भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। 9 और 10 सितंबर यानी 2 दिनों तक बैठकों का दौर चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई पहल पर सत्र की बैठक की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन के साथ हुआ। पीएम मोदी ने वन अर्थ नाम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा विश्व नया समाधान मांग रहा है, आपसी भरोसे से कोई संकट नहीं टिकेगा और जो विश्वास का संकट है उसे मिलकर दूर करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्र पर प्रदर्शक है। वन अर्थ का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने मानव केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर भारतीय संस्कृति ने हमेशा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक ब्रह्मांड की भावना पर आधारित है जिसके तहत भारत ने लाइफ मिशन जैसी पहल पर काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर जोर दिया है। ग्रीन ग्रिड पहले शुरू की है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड सौर ऊर्जा का उपयोग प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को प्रोत्साहित करेगा। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। Your Highnesses, Excellencies, नमस्कार। औपचारिक कार्यवाही शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग सत्र को संबोधित करेंगे। फ्रेंड्स, अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि
कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं, आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं।